नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव नरेंद्र आप सभी का इसी उम्मीद के साथ स्वागत करता हूं कि एक परीक्षा जिसको लोक सेवा आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया गया और दोबारा से यह परीक्षा प्रारंभ की जा रही है। इसकी तिथि भी घोषित है और अगर देखा जाए तो अभी से आपके पास, वर्तमान समय से आपके पास 60+ दिन है और इस 60+ दिन में वो लोग जो पहले इस परीक्षा को पास कर चुके थे, जिनको लगता था मैं कट ऑफ पार कर लूंगा, उन लोगों के लिए भी चुनौती है और उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो किसी कारणवश इस परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे थे। तो दोनों प्रकार के लोग हैं और दोनों प्रकार के लोगों को मेहनत अधिक करनी है। ऐसे लोग जो पास थे, उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए पढ़ाई को बहुत अच्छा बनाना है, और जो लोग पीछे रह गए थे, पास नहीं हुए थे, उनको दुनिया को यह दिखाने के लिए, अपने आप को यह दिखाने के लिए कि अगर मौका मिलता है तो हम उस मौके को भुना लेंगे, उस मौके में हम सफल हो जाएंगे, यह साबित करने के लिए आपको अभी से लगना होगा और निरंतर 60 दिनों तक बिना किसी अब्सेंटी के आपको यह कार्य करना होगा। यहां पर मैंने अब्सेंट का मतलब इसलिए है क्योंकि आपको रोज पढ़ना है। एक कहावत है और कहावत यह है कि हमें पढ़ाई में मेहनत करनी है ना। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं किस बात को मानता हूं? मैं मानता हूं हमें पढ़ाई में मेहनत नहीं करनी है, हमें रोज पढ़ने में मेहनत करनी है। क्या करनी है? रोज पढ़ने में मेहनत करनी है। आप रोज पढ़िए, चाहे 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा रोज, तो देखिएगा एक दिन आप सफल जरूर हो जाएंगे। और ऐसा कि यदि किसी टीचर ने, किसी व्यक्ति ने आपको मोटिवेट कर दिया और आप एक दिन में पढ़े बिल्कुल 24 घंटे और अगले 5 दिन नहीं पढ़े, तो क्या उसका फायदा होने वाला है? उसका फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी बात, हमने जब वीडियो डाला तो कई प्रकार के मैसेज आए, सर नोटिफिकेशन नहीं आया, फॉर्म कब आया था। कोई बाबू, दोबारा से फॉर्म नहीं आया है। जिन लोगों ने 2016 में फॉर्म भरा था, जिन लोगों ने 2016 में परीक्षा दी थी, केवल वही लोग इस परीक्षा के लिए अवेलेबल हैं। इस परीक्षा को वो क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, ठीक ना। आइएगा अब टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूरोप महाद्वीप पढ़ा था, उसी महाद्वीप को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं और संभवतः आज मैं इस महाद्वीप को समाप्त कर लूंगा। और अगर ये महाद्वीप समाप्त हो जाता है तो अगला जो मेरा वीडियो आपको मिलेगा, उस वीडियो में मैं क्या करूंगा, इस यूरोप महाद्वीप से लोक सेवा आयोग किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, इस पर एक प्रश्नोत्तर वाला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से वो प्रश्न पूछेगा आपसे, किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा और किस प्रकार से आपको उसका आंसर देना है। तो यहां पर ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और उसी कॉन्सेप्ट, मतलब आज की वीडियो में आपको इनपुट दूंगा और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं यूरोप महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, उस वीडियो में मैं आपसे आउटपुट वापस लूंगा, ठीक ना। चलिएगा बिना किसी देरी के हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप। अगर मैं अपना पिछला वाला अगर मैं लेक्चर अपना रिमेंबर कराऊं आपको, तो हमारी बात इतनी हो चुकी थी कि यहां पर एक बाल्टिक सागर है और बाल्टिक सागर से यदि आपको उत्तर सागर आना है, यदि आपको बाल्टिक सागर से कहां आना है, यदि आपको बाल्टिक सागर से उत्तर सागर में आना है, तो यहां पर एक नहर है और इस नहर का नाम मैंने क्या बताया था आपको, इस नहर का नाम मैंने आपको कील नहर बताया था। कौन सी नहर है? कील नहर है। और कील नहर के बाद हम कहां पहुंच गए? हम उत्तर सागर पहुंच गए और उत्तर सागर से यहां पर इंग्लिश चैनल है। उत्तर सागर से इंग्लिश चैनल जाने के लिए एक जलसंधि बताई गई थी और जलसंधि का नाम क्या था? जलसंधि का नाम बताया था मैंने आपको, डोबर जलसंधि। कौन सी जलसंधि? डोबर जलसंधि। और डोबर जलसंधि से होते हुए हम यहां पर किस महासागर में पहुंच जाएंगे? अटलांटिक। किस महासागर में पहुंच जाएंगे? अटलांटिक ओशियन। और जब हम अटलांटिक ओशियन में पहुंचेंगे तो अटलांटिक ओशियन से होते हुए जब हमें कहां जाना होगा? भूमध्य सागर जाना होगा। तो यहां पर एक जलसंधि है और इस जलसंधि का नाम मैंने आपको जिब्राल्टर बताया था, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर जलसंधि। और मैंने बताया था कि यदि आप अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करेंगे, यदि आप अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करेंगे तो आपको एक जलसंधि को पार करना होगा और जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर जलसंधि।
चूंकि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग जिब्राल्टर जलसंधि, इसलिए जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद जब हम भूमध्य सागर में आ गए, तो जब हम भूमध्य सागर में आ गए तो यहीं पर आपको कुछ चीजें और समझनी है, यहीं पर आपको कुछ चीजें अभी और समझनी है। तो यहां तक हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, यहां तक हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। हम प्राकृतिक वाले मैप में देखते हैं, तो अगर प्राकृतिक वाले मैप में देखा जाए तो यहां पर एक सागर है जिसका नाम है टेरिहिनियन सागर, और यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है क्रोशका द्वीप, और यहां पर एक द्वीप है सार्डिनिया द्वीप, और यहां पर एक सागर है, और सागर का नाम आप देख ही रहे हैं, सागर का नाम क्या है? भूमध्य सागर। आपको इस मानचित्र में समझ में नहीं आएगा, मैं यहां पर बना देता हूं। यहां पर सबसे पहले तो ये दो द्वीप हैं, एक का नाम है क्रोशका द्वीप, एक का नाम है सार्डिनिया द्वीप। एक का नाम क्या है? एक का नाम है क्रोशका और दूसरे का नाम है सार्डिनिया। एक द्वीप का नाम है क्रोशका द्वीप और दूसरे द्वीप का नाम क्या है? तो दूसरे द्वीप का नाम है सार्डिनिया द्वीप। अगर हम क्रोशका द्वीप की बात करते हैं, क्रोशका द्वीप, और एक का क्या है आपका? सार्डिनिया द्वीप है। इस साइड एक सागर है, और इस साइड जो सागर है, इस सागर का नाम है टेरहिनियन सागर, टेरहिनियन सागर। और इस साइड एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। यहां पर एक सागर है, और इस सागर का नाम क्या है? तो इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। तो यदि आपको भूमध्य सागर से टेरहिनियन सागर जाना है, तो यहां पर एक जलसंधि है, जल का एक सकरा भाग, और जल के सकरे भाग को किस नाम से जानते हैं? तो जल के सकरे भाग को जलसंधि के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम पूछेगा वो आपको, भूमध्य सागर को टेरहिनियन सागर से जोड़ने वाली जलसंधि का नाम, तो बोनी फोशियो जलसंधि। कौन सी जलसंधि है? तो यहां पर जलसंधि है, जलसंधि का नाम क्या है? तो जलसंधि का नाम है बोनी फोशियो जलसंधि। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भूमध्य सागर को टेरहिनियन सागर से जोड़ने वाली जलसंधि का नाम बोनी फोशियो जलसंधि, तो किन दो द्वीपों को अलग करती है? क्रोशका द्वीप को अलग करती है सार्डिनिया द्वीप से। अगर हम बात करें क्रोशका द्वीप पर किस देश का अधिकार है, तो इस पर जिस देश का अधिकार, उस देश का नाम फ्रांस। और सार्डिनिया द्वीप पर किस देश का अधिकार है, तो सार्डिनिया द्वीप पर आप मानचित्र में देख सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा किस मानचित्र में, राजनीतिक वाले। देखिएगा यहां पर क्रोशका द्वीप, और क्रोशका के नीचे एफआर लिखा है, एफआर मतलब है फ्रांस, और यहां पर सार्डिनिया द्वीप है, और सार्डिनिया द्वीप के नीचे लिखा है आईटी, आईटी का अर्थ है इटली, आईटी का अर्थ क्या है? आईटी का अर्थ है इटली। अब हम यहां पर आ गए हैं, और जब हम यहां पर पहुंचे तो यहां पर टेरहिनियन सागर है, और यहां पर ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर का क्षेत्र है। टेरहिनियन सागर से हम आगे बढ़े तो यहां पर एक और द्वीप मिलेगा जिसका नाम है सिसिली द्वीप। कौन सा द्वीप है? सिसिली द्वीप। और सिसिली द्वीप के ऊपर यहां पर एक देश है जिसका नाम है इटली। तो यदि आपको टेरहिनियन सागर से यहां पर एक सागर है जिसका नाम है इओनियन सागर। कौन सा सागर है? इओनियन सागर। यदि आपको टेरहिनियन सागर से इओनियन सागर जाना है, तो एक जलसंधि को यहां पर आपको पार करना पड़ेगा, जो यहां पर द्वीप है, इस द्वीप का नाम है सिसिली द्वीप, सिसिली। और सिसिली द्वीप पर जो यहां पर जिस देश का यहां पर अधिकार है, उस देश का नाम है इटली, और यहां पर खुद इटली देश है। तो इसी प्रकार से हम बना लेते हैं कि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा इस प्रकार से, मान लीजिएगा इस प्रकार से एक देश है, और इस देश का नाम है इटली। कौन सा देश है? तो यहां पर एक देश है इटली, और इटली देश के नीचे यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है सिसिली, और सिसिली द्वीप पर इटली देश का ही अधिकार है। सिसिली देश पर किस देश का अधिकार है? इटली देश का ही यहां पर अधिकार है। यहां पर एक सागर है, और इस सागर का नाम है इओनियन सागर। कौन सा सागर है? इओनियन सागर है। और पीछे कौन सा सागर था? तो यहां पर जो सागर था टेरहिनियन, कौन सा सागर यहां पर? टेरहिनियन सागर। ये बात हमने आपको पहले ही बताई है कि जलसंधि दो जल के भावों को जोड़ती है,
यहां पर इनके बीच में यहां पर एक जल का सकरा भाग है, और यहां पर जो जल का ये सकरा भाग है इसका नाम क्या है? तो यहां पर एक जल संधि है, और ये जल संधि का नाम है मेसिना जल संधि। कौन सी? मेसिना जल संधि। कौन सी जल संधि यहां पर? तो यहां पर जो जल संधि है मेसिना जल संधि, ठीक ना, मेसिना जल संधि है। तो जो हमारी जल संधि है मेसिना जल संधि है, मेसिना जल संधि किस किस को अलग करती है? तो मेसिना जल संधि जो है वो इटली देश को सिसिली द्वीप से अलग करती है। किसे? सिसिली द्वीप से अलग करती है। और सिसिली द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो सिसिली द्वीप पर जो अधिकार है वो इटली देश का है। प्रश्न तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है सिसिली द्वीप किस सागर में है, सिसिली द्वीप पर किस देश का अधिकार है, आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछ लेगा सिसिली द्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिसिली द्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए देगा यह भूमध्य सागर में है, ऑप्शन बी देगा इस पर इटली देश का अधिकार है, ऑप्शन सी देगा मेसना जल संधि, मेसना जल संधि इटली को सिसिली द्वीप से अलग करती है, और ऑप्शन डी दे देगा कि सिसिली द्वीप एक ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित द्वीप है। इस प्रकार से वो चार ऑप्शन दे देगा और आपसे कहेगा इनमें से गलत बताइए, या इनमें से सत्य कौन है या गलत कौन है, या फिर पूट टाइप का पूछ लेगा। तो लोकसभा आयोग अब इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, एक छोटा सा टॉपिक उठाएगा और उसको तोड़ मरोड़ के वो प्रश्न पूछेगा। इसी सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी है, इसी सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है माउंट एटना, माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत, माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत। इस सिसिली द्वीप पर एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट एटना, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट एटना, और ये माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ठीक ना, समझ में आ रही ना बात है, बना लीजिएगा जल्दी से। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया है होती है यहां पर, ठीक ना, सिसिली द्वीप पर ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, और यहां पर माउंट एटना जो है वो एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सर्च करके या तो किसी बुक से या गूगल से कि जो माउंट एटना है वो किस प्रकार का पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है या फिर सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है या मृत है या सुसुप्त है, ठीक ना, चलेगा आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े लीजिएगा, ठीक ना, ये हो गया। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसको मैं सबको मिटा देता हूं तब समझ में आएगा। चलिए प्राकृतिक वाले मैप में समझा देते हैं बाबू। यहां पर ये देश हो गया इटली देश, और ये सिसिली द्वीप है, यहां पर आप देख रहे हैं टिरिनियन सागर है, और यहां पर इओनियन सागर है। तो यहां पर एक जल संधि बताई मैंने आपको, और यहां पर जो मैंने जल संधि बताई मेसिना जल संधि। अब टिरिनियन सागर से हम इओनियन सागर पहुंच गए, टिरिनियन सागर से हम इओनियन सागर पहुंच गए। यहां पर एक सागर और है एड्रियाटिक सागर, कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर। तो अगर यहां पर एड्रियाटिक सागर है, यहां पर इटली देश है, और यहां पर जो है वो ग्रीस देश है, कौन सा देश है? ग्रीस, और ग्रीस को पहले यूनान के नाम से जानते थे, देखिएगा ये लिखा है ग्रीस। तो यहां पर एक जल संधि है, यहां पर एक जल संधि है, इस जल संधि का नाम है ओट्रांटो जल संधि। क्या नाम है? ओट्रांटो जल संधि। हम मानचित्र में बनाएंगे, हम मानचित्र में बना लेंगे इस प्रकार से, ये देश है और इस देश का नाम क्या है? इटली। यहां पर एक देश है और इस देश का नाम क्या है? ग्रीस। यहां पर जो देश है इस देश का नाम क्या है? तो यहां पर जो देश है इस देश का नाम क्या है? देश का नाम है ग्रीस, ठीक ना, और मान लीजिएगा ग्रीस है। और इस प्रकार से यहां पर एक सागर है जिसका नाम है एड्रियाटिक सागर, यहां पर एक सागर है और सागर का नाम है एड्रियाटिक सागर, और यहां पर अभी अभी आपको एक सागर बताए थे ओनियन सागर, इओनियन सागर, कौन सा सागर यहां पर? तो यहां पर एक सागर है इओनियन सागर। यहां पर जो जल संधि है, एक जल संधि है, और इस जल संधि का नाम है ओट्रांटो जल संधि, ओट्रांटो जल संधि। कौन सी जल संधि है?
तो यहां पर एक जलसंधि है ओटरांटो जलसंधि। तो ओटरांटो जलसंधि क्या करती है, इटली देश को ग्रीस देश से अलग कर रही है, जबकि एडियाटिक सागर को यूनियन सागर से जोड़ती है, जबकि एडियाटिक सागर को यूनियन सागर से जोड़ती है। जलसंधि का नाम आपके सम्मुख लिखा है, जलसंधि का नाम है ओनियन जलसंधि। जलसंधि का नाम क्या है, तो जलसंधि का नाम है ओनियन, सॉरी ओटरांटो जलसंधि। कौन सी जलसंधि है, तो जलसंधि के नाम है ओटरांटो जलसंधि, ठीक ना। तो यहां पर आते आते हमारी जलसंधियां कंप्लीट होती हैं। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, हमने सबसे पहले यहां पर डोवर जलसंधि पढ़ी थी, डोवर जलसंधि उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। हमने फिर यहां पर जिब्राल्टर जलसंधि पढ़ी, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। फिर हमने यहां पर एक जलसंधि पढ़ी बोनिफोसियो, बोनिफोसियो जलसंधि भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती थी, टिरिहिनियन सागर से। और फिर हमने यहां पर एक जलसंधि पढ़ी मेसिना, मेसिना जलसंधि टिरिहिनियन सागर को यूनियन सागर से जोड़ती है। फिर हमने पढ़ी यहां पर कौन सी, ओटरांटो जलसंधि, जो कि एड्रियाटिक सागर को यूनियन सागर से जोड़ती है, ठीक ना। मैं प्रश्न पूछूंगा अभी, अभी का मतलब अगले लेक्चर में मैं आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगा यूरोप महाद्वीप से संबंधित प्रश्न, और यहां से प्रश्न बनेंगे, ठीक ना, चलेगा। अब हम यूरोप महाद्वीप की नदियों पर एक नजर डालते हैं, यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां देखिएगा। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ए यहां से स्टार्ट है नदियां, यहां पर एक देश है और इस देश का नाम है पोलैंड। देश का नाम क्या है, पोलैंड। तो अगर हम बात करें कि सर कैसे मिलाएंगे, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे या फिर इतने अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, मानचित्र। मैं आपको मानचित्र बता देता हूं कैसे आपको मानचित्र पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिएगा मैंने कोई नदी के बारे में बोला और मैंने कहा यह नदी जो है वो पोलैंड देश में प्रवाहित होती है, मैंने कहा कि नदी जो है वो किस देश में प्रवाहित होती है, मैंने कहा कि नदी जो है वो पोलैंड देश में प्रवाहित होती है, तो सबसे पहले हमें राजनैतिक वाले मैप में जिस मानचित्र में देश बने होते हैं उसको हम राजनैतिक मानचित्र बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें राजनीतिक मानचित्र में क्या करना होगा, पोलैंड को देखना होगा। मान लीजिएगा पोलैंड यहां पर है, तो इसी जगह पर हमें प्राकृतिक वाले मैप में भी देखना होगा। तो इसी वाली जगह में ये रहा प्राकृतिक वाला मैप, तो इसी प्राकृतिक वाले मैप में देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा। मैं रेड कलर के पेन से बनाऊंगा, सॉरी ब्लैक कलर के पेन से बनाऊंगा। यहां पर एक नदी बह रही है और यहां पर जो नदी बह रही है इस नदी का नाम है बिस्तुला नदी। यहां पर जो नदी बह रही है इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है बिस्तुला नदी। और बिस्तुला नदी इस प्रकार बहती है पोलैंड में, और यहां पर एक सागर है, सागर का नाम है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में अपना पानी गिरा देती है, किस सागर में अपना पानी गिरा देती है, तो बाल्टिक सागर में अपना पानी गिरा देती है, ठीक ना, चलेगा। तो हम इसको बना लेंगे, नदी का नाम क्या है, तो एक नदी बह रही है इस प्रकार, नदी का नाम है बिस्तुला, नदी का नाम क्या है, बिस्तुला। और बिस्तुला नदी जो है वो अपना पानी कहां गिराती है, तो बिस्तुला नदी अपना पानी बाल्टिक सागर में गिराती है, कहां गिराती है, बाल्टिक सागर में अपना पानी गिरा देती है। कौन सी नदी, बिस्तुला नदी है। इस बिस्तुला नदी के किनारे पोलैंड की राजधानी वॉर्सा स्थित है, वॉर्सा ये पोलैंड की राजधानी है, राजधानी है तो हम स्टार से बना देते हैं, ये पोलैंड की राजधानी है, राजधानी का नाम क्या है, वॉर्सा। वॉर्सा पोलैंड की राजधानी, बिस्तुला नदी किनारे है। जो वॉर्सा नदी का, सॉरी जो बिस्तुला नदी का क्षेत्र है, बिस्तुला नदी के क्षेत्र से कोयला की प्राप्ति होती है, बिस्तुला नदी के क्षेत्र से किसकी प्राप्ति होती है, तो बिस्तुला नदी के क्षेत्र से प्राप्ति हो जाती है किसकी, तो यहां से बिस्तुला नदी के क्षेत्र से कोयला की प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, कोयला की यहां से प्राप्ति हो जाती है, ठीक ना। उसके बाद बिस्तुला नदी के आगे बढ़ेंगे पश्चिम की ओर, तो बिस्तुला नदी के पश्चिम की ओर यहां पर एक नदी बहती है, ये नदी का नाम है ओडर, और ओडर नदी भी अपना पानी बाल्टिक सागर में गिराती है। लेकिन ओडर नदी की विशेषता ये है कि ओडर नदी की एक साइड पोलैंड देश है और ओडर नदी के एक साइड यहां पर जर्मनी देश है, एक पोलैंड देश है और एक जर्मनी, मतलब ओडर नदी पोलैंड से तो निकलती है लेकिन जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में गिरती है। तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम, तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम है ओडर नदी। कहां पर से निकलती है, पोलैंड से निकलती है और जर्मनी से होते हुए बाल्टिक सागर में अपना पानी गिरा देती है। कहां पर अपने पानी गिरा देती है, बाल्टिक सागर में अपना पानी गिरा देती है। तो यहां पर हम इस प्रकार बना लेंगे, बाल्टिक सागर में नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है ओडर नदी।
इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है ओडर नदी। ओडर नदी के इस साइड एक देश है और ओडर नदी के इस साइड जो देश है, इस देश का नाम है पोलैंड। क्या नाम है यहां पर? तो ओडर नदी के इस साइड एक देश है और इस देश का नाम है पोलैंड। ठीक है ना, कौन सा देश है यहां पर? एक देश है पोलैंड। और साथ ही साथ इस नदी के इस साइड कौन सा देश है? तो यहां पर जो देश है, देश का नाम है जर्मनी। तो यह नदी जो है वो दो देशों के मध्य सीमा बनाती है, पोलैंड और जर्मनी। ठीक है ना, प्रश्न पूछ लिया जाएगा कौन सी नदी पोलैंड और जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है। तो नदी का नाम आपको याद रखना है ओडर नदी। कौन सी नदी? ओडर नदी। कहां अपना पानी गिराई? बाल्टिक सागर में। जल्दी से बनाइएगा, ये दो नदियां बनाए हम। ठीक है ना, जल्दी से बना लीजिएगा। चलिए, अब ये दोनों नदियां जो थी वो कहां की नदियां थी? ये दोनों नदियां जो पोलैंड की नदियां थी। पोलैंड के आगे कौन सी नदी है जो जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है? तो ओडर। यहां पर एक नदी प्रवाहित हो रही है, इस नदी का नाम है बीजर नदी। कौन सी नदी है? तो यहां पर एक नदी बह रही है, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है बीसर, या कहीं कहीं पर बीजर लिखा रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पर बीजर के पहले यहाँ पर एक और नदी प्रवाहित हो रही है, इस नदी का नाम है एल्व। तो ELB, एल्व और बीजर दो महत्वपूर्ण नदियां कहाँ की? जर्मनी की। और ये दोनों की दोनों नदियां अपना पानी उत्तर सागर में गिराती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे से एक और नदी निकलती है, राइन नदी। यह भी अपना पानी कहाँ गिराती है? जब सॉरी डोबर जल संधि के समीप गिराती है, किस सागर में? उत्तर सागर में। ठीक ना, तो हम अगर जर्मनी की नदियों को बनाएं तो ऊपर तो हम पहले लिख लेते हैं कहां पर अपना पानी गिराती हैं। तो अपना पानी गिरा रही हैं कहां पर? उत्तर सागर में। कहां पर अपना पानी गिराती हैं? उत्तर सागर में अपना पानी गिराती है। एक नदी आ रही है, इस नदी का नाम है एल्ब नदी। कौन सी नदी है? एल्ब नदी है। और एल्ब नदी के किनारे जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। आप कई सारी किताबें पढ़ेंगे तो लिखा होगा जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है वो एल्ब नदी किनारे नहीं है, बल्कि यहां पर एक नदी आकर मिलती है, इस नदी किनारे है और इस नदी का नाम है स्प्री नदी। कौन सी नदी है? स्प्री। कोई कोई इसे सप्री भी पढ़ता है या स्प्री पढ़ता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी किनारे स्थित है, ऑप्शन में स्प्री नदी भी है और एल्ब नदी भी है, तो आप स्प्री नदी को लगाएंगे। किस नदी को आंसर करेंगे? स्प्री नदी को। और अगर मान लीजिएगा ऑप्शन में केवल, अगर मान लीजिएगा ऑप्शन में केवल केवल एल्ब नदी है, स्प्री नहीं है, तो आप एल्ब को लगा देंगे। प्राथमिकता हमें किसको देनी है? तो हमें प्रायोरिटी देनी है किस नदी को? प्रायोरिटी देनी है हमें स्प्री नदी को। ठीक ना, तो ये एल्ब नदी है। कहां पर अपना पानी गिराती है? एल्ब नदी अपना पानी गिरा देती है उत्तर सागर में। कहां अपना पानी गिराती है? तो उत्तर सागर में अपना पानी गिराती है। इस वाले मानचित्र में देखिएगा, ये जर्मनी है, ये रहा बर्लिन, ये रहा बर्लिन। और बर्लिन के नीचे यहां पर एक और शहर है जिसका नाम है ड्रेसडेन। एक शहर और है जो बिल्कुल एल्ब नदी के किनारे स्थित है और इस शहर का नाम है ड्रेसडेन। यहां पर एक शहर है जर्मनी का, इंपॉर्टेंट शहर है ड्रेसडेन। और जो जर्मनी का ड्रेसडेन शहर है, यह चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। चीनी मिट्टी उद्योग या चीनी मिट्टी के बर्तन का उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग है यहां पर। ठीक ना, चलेगा। उसके बाद एक नदी और है, यहीं पर बताए थे आपकी, ए बीसर। इस प्रकार मान लीजिए बीसर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? तो यहां पर एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है बीसर। और ये जो बीसर नदी है, ये बीसर नदी अपना पानी कहाँ गिराती है? तो बीसर नदी जो अपना पानी है वो कहाँ गिरा देती है? वो उत्तर सागर में गिराती है। और बीसर नदी किनारे जर्मनी का एक बड़ा महत्वपूर्ण बंदरगाह है, या शहर कह लीजिएगा। और बीसर नदी किनारे जर्मनी का एक बड़ा महत्वपूर्ण बंदरगाह है, यहाँ पर है। और अगर हम बात करें इस बंदरगाह की, तो जो यहाँ पर बीसर नदी किनारे जो बंदरगाह स्थित है, इसका नाम है ब्रेमैन, ब्रेमैन बंदरगाह। तो यहां पर एक बंदरगाह शहर है और इसका नाम है ब्रेमैन, ब्रेमैन बंदरगाह। कौन सा है? ब्रेमैन बंदरगाह। ठीक ना, और ये जो ब्रेमैन बंदरगाह है, ये जर्मनी में कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए।
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। ठीक है, जल्दी से दोनों बनाइए। ठीक ना, चलिए इतना हो गया, इसको हम मिटा दें, इसको मिटा दें। एक एक से ऐसी नदी समझते हुए आपको चलना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और कई बार ये नदियां पूछी जाती हैं। उसके बाद जर्मनी में, यहाँ पर मैं बनाया हूँ, यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है जर्मनी से और ऐसे होते हुए उत्तर सागर में अपना पानी गिराती है। अगर हम नदी की बात करें तो नदी का नाम है राइन, और राइन नदी जो है आल्पस पर्वत से निकलती है। आल्पस पर्वत यूरोप महाद्वीप का नवीन मोड़दार पर्वत है, यूरोप महाद्वीप का नवीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक ना, इस आल्पस पर्वत से एक नदी निकलती है राइन, और राइन नदी ऐसे होते हुए उत्तर सागर में अपना पानी गिराती है। उत्तर सागर कहां पर अपना पानी गिराती है? उत्तर सागर में अपना पानी गिराती है। अगर हम बात करें आल्पस पर्वत की, तो यह आल्पस पर्वत है यूरोप महाद्वीप का एक नवीन मोड़दार पर्वत है, और इसका विस्तार यूरोप महाद्वीप के पांच देशों में, कितने देशों में? पांच, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, इतने पांच देशों में है। तो जो राइन नदी है, नदी का नाम लिख देते हैं पहले हम, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है राइन, राइन नदी। और राइन नदी आल्पस पर्वत से तो निकलती है, आल्पस पर्वत तो पांच देशों में है, तो किस देश से इसका उद्गम होता है? तो ये निकलती है स्विट्जरलैंड। कहां से निकलती है? स्विट्जरलैंड से निकलती है। और स्विट्जरलैंड से निकलने के बाद आगे बढ़ती है, तो यहां पर जर्मनी देश, जर्मनी देश, और यहां पर एक देश है फ्रांस, जर्मनी और एक देश है फ्रांस, दोनों देशों के मध्य सीमा बनाती है। और जर्मनी में जहां ये सीमा बनाती है, यहां पर एक पर्वत है, और यहां पर जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। कौन सा पर्वत है? तो यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। कौन सा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और इस साइड फ्रांस में भी एक पर्वत है जिसका नाम है बॉस जीस पर्वत। कौन सा पर्वत है? बॉस जीस पर्वत। तो ये जो नदी है राइन नदी, ये दो पर्वतों के मध्य से होकर बहती है। यहां पर आप देख सकते हैं ब्लैक फॉरेस्ट है, और यहां पर कौन सा है? बॉस जीस पर्वत है। तो दो पर्वतों के मध्य से होकर बहती है, और ये दोनों के दोनों पर्वत ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। और दो ब्लॉक पर्वत के मध्य का जो निचला क्षेत्र होता है उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। अर्थात राइन नदी एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। राइन नदी एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी में क्या होती है? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो हम इसका एक पॉइंट ये लिख लेंगे कि नदी जो है कहां पर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है कौन सी नदी? राइन नदी। ठीक ना, कहां पर प्रवाहित होती? अब कितने देशों से होकर बह रही है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस। ऊपर आती है तो एक देश में जाती है यहां पर, और एक देश में जाती है जिसका नाम है बेल्जियम, और बेल्जियम से होते हुए एक किस देश में चली जाती है? तो बेल्जियम से होते हुए जिस देश में चली जाती है उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है नीदरलैंड। कौन से देश में चली जाती है? तो बेल्जियम से होते हुए किस देश में चली जाती है? नीदरलैंड में चली जाती है। ठीक ना, अर्थात जो राइन नदी है, राइन नदी का संबंध वो जो है आपके पांच देशों से है। राइन नदी का संबंध कितने देशों से? पांच देशों से। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम इन पांच देशों से होकर बहती है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि यह नदी दो देशों के मध्य सीमा बनाती है, जर्मनी और फ्रांस। ठीक ना, चौथा पॉइंट, इस नदी का उद्गम केंद्र कहां है? आल्पस पर्वत है। और निकास केंद्र या कहां पर यह अपना डेल्टा बनाती है? तो उत्तर सागर में अपना डेल्टा बनाती है। इसके अलावा भी और पॉइंट है, देखिएगा। अगर हम बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, यूरोप महाद्वीप में अधिकांश देशों की राजधानियां किसी ना किसी नदी के किनारे स्थित है। यूरोप महाद्वीप में अधिकांश देशों की नदियां किसी ना किसी नदी के किनारे स्थित हैं।
तो यहां पर जल परिवहन का जल परिवहन को बहुत ज्यादा विकसित कर दिया गया, अर्थात यहां के लोग जल मार्ग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति उत्तर सागर में है, यदि कोई व्यक्ति उत्तर सागर में है और उसको स्विट्जरलैंड या अन्य किसी देश में जाना है, तो यहां पर एक नदी बहती है राइन नदी। इस राइन नदी के क्षेत्र में क्या बना दिया गया, एक जलमार्ग बना दिया गया। राइन नदी में क्या कर दिया गया, एक जलमार्ग बना दिया गया, और यह जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग है। अंतः स्थलीय जलमार्ग का मतलब होता है कि एक ऐसा जलमार्ग जो धरातल को काटते हुए बनाया गया हो, और धरातल को काटते हुए बनाया गया हो मतलब किसी ना किसी नदी में बनाया गया हो। कहां बनाया गया हो, किसी नदी में बनाया गया हो, तो ऐसे जलमार्गों को क्या नाम दिया जाता है, ऐसे जलमार्गों को अंतः स्थलीय जलमार्ग कहा जाता है, और यह है यूरोप के साथ साथ विश्व का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। ठीक ना, तो अगला पॉइंट यही हो जाएगा। राइन नदी के बारे में हम इसको डबल कर देते हैं इस प्रकार से, देखिएगा। ठीक ना, तो हम यहां पर लिखेंगे राइन नदी एक अंतःस्थलीय जलमार्ग का उदाहरण है। अंतः स्थलीय जलमार्ग का उदाहरण है। अंतःस्थलीय जलमार्ग का क्या है, जलमार्ग का उदाहरण है। अंतःस्थलीय जलमार्ग का ये क्या है, तो अंतःस्थलीय जलमार्ग का ये उदाहरण कौन सी नदी, राइन। ठीक ना, और साथ ही साथ ये व्यस्त के अंतःस्थलीय जलमार्गों में शामिल। ठीक ना, जल्दी से बना लीजिएगा जल्दी से। ठीक ना, इसको बना लीजिए। अब समझिएगा, ये राइन नदी बह रही है और राइन नदी से एक छोटी सी नदी आकर मिलती है। जर्मनी में राइन नदी से एक छोटी सी नदी आकर मिलती है और इस नदी का नाम है रूर नदी। कौन सी नदी है, रूर नदी। और ये वही रूर नदी है जिसकी तुलना भारत की दामोदर नदी से की जाती है, या ये वही रूर नदी है जिससे भारत की रूर नदी की तुलना की जाती है, या भारत की रूर नदी की इस नदी से तुलना की जाती है, यानी दामोदर की। तो रूर नदी क्यों फेमस है, रूर नदी के क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। रूर नदी के क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक क्या पाया जाता है, रूर नदी के क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। उसी प्रकार भारत में सर्वाधिक कोयला दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए दामोदर नदी को भारत की रूर नदी कहा जाता है। इसलिए दामोदर नदी को भारत की कौन सी नदी कहा जाता है, भारत की रूर नदी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक ना, चलिए जल्दी से बना लीजिएगा इसको। ठीक ना, यहां देखिएगा, मानचित्र में देखिएगा। यहां पर हमने जब नीदरलैंड की बात की, तो यहां पर एक देश है नीदरलैंड जिसकी राजधानी एमस्टरडम है, उसके बाद एक देश है यहां पर बेल्जियम, और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, और एक यहां पर छोटा सा देश है जिसका नाम है लग्जमबर्ग, और लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। अर्थात यहां पर हम तीन देशों की अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं, और ये तीनों के तीन देश उत्तर सागर के तटीय क्षेत्र पर स्थित है, उत्तर सागर में स्थित है, उत्तर सागर के तट पर स्थित है। कौन से तीन देश हैं, तो तीन देशों को लिखने की एक ट्रिक है यहां पर, BENELUX। ये तीन देश हैं। एक बार तो प्रश्न ही पूछ लिया या BENELUX में LUX क्या है, तो LUX क्या है, आइएगा, लक्ष्य साबुन नहीं है समझिएगा। यहां पर BE का अर्थ है बेल्जियम, BE से क्या अर्थ है, तो BE का अर्थ है बेल्जियम, और बेल्जियम की अगर राजधानी की बात करें तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, और इस ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। ब्रुसेल्स में, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है, नाटो का मुख्यालय है। अब अगर हम नाटो की बात करें, तो नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका संचालन यूएन के द्वारा किया जाता है। नाटो एक सैन्य संगठन है, और इसका फुल फॉर्म है
टिक टिरिटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर बात करें तो उत्तर अटलांटिक या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ट्रिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, संधि, ऑर्गेनाइजेशन को संगठन, संगठन एक प्रकार का संगठन है नाटो, कई बार आपने नाम सुने होंगे नाटो मुख्यालय, नाटो का कई बार आपने नाम सुना होगा। तो नाटो क्या है, एक सैन्य संगठन है, मुख्यालय कहां है, ब्रुसेल्स में, ठीक ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं यहां पर, अगर हम बात करें एनई की, तो एनी जो है, एनी का अर्थ यहां पर नीदरलैंड देश से है। एनी का अर्थ क्या है, तो एनी का अर्थ यहां पर नीदरलैंड है, और नीदरलैंड में आपको दो शहर याद रखने हैं, एक तो नीदरलैंड की राजधानी जिसका नाम है एमस्टरडम, एमस्टरडम, इन नीदरलैंड की राजधानी एमस्टरडम, और नीदरलैंड की राजधानी एमस्टरडम में हीरे की कटाई एवं उस पर पॉलिश, हीरे की कटाई एवं हीरे पर पॉलिश का कार्य किया जाता है। हीरे की कटाई और हीरे पर किसका पॉलिश का कार्य किया जाता है। ठीक ना। दूसरा यहां का एक शहर याद रखना है आपको जिसका नाम है हैग, नाम सुने होंगे हैग शहर, और इस हैग शहर में क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। हैग शहर में क्या है, तो इस हैग शहर में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। हैग शहर में क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। उसके बाद हम एक देश की और बात किए थे आपको एलयूएक्स, और यहां पर एलयूएक्स का मतलब जो है वो है लग्जमबर्ग। एलयूएक्स का अर्थ क्या है यहां पर, तो एलयूएक्स का अर्थ है लग्जमबर्ग, और लग्जमबर्ग एक देश है, और अगर हम लग्जमबर्ग की राजधानी की बात करें तो लग्जमबर्ग सिटी, लग्जमबर्ग सिटी इसकी राजधानी है। ठीक ना, ये तीन देशों को आपको याद रखना है, बीई एनई एलयूएक्स, बीई एनई एलयूएक्स। अब इन तीन देशों को क्या कहा जाता है, इन तीन देशों के लिए एक नाम दिया जाता है, इन तीन देशों को लो लैंड कंट्री ऑफ यूरोप कहा जाता है, यूरोप के निम्न भूमि के देश, यूरोप के निम्न भूमि के देश, क्योंकि यह तीन देश ऐसे हैं यूरोप महाद्वीप में जो समान धरातल से नीचे है, उत्तर अटलांटिक सॉरी उत्तरी सागर के तट पर समान धरातल से नीचे हैं। कौन से तीन देश, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, इनको बीई एन यू एल यू एक्स के नाम से लिखा जाता है। तो हम यहां पर लिखेंगे इन तीनों देशों के बारे में, लो लैंड कंट्री ऑफ यूरोप, लो लैंड कंट्री ऑफ यूरोप, हिंदी में अगर लिखें तो यूरोप के निम्न भूमि के देश, कौन से, यूरोप के निम्न भूमि के देश, यूरोप के निम्न भूमि के देश। चलिए जल्दी से बनाइएगा, यूरोप के निम्न भूमि के देश हैं। ठीक है ना, तो हम कहां तक पहुंचे, हम जर्मनी तक पहुंचे, और जर्मनी में हमने आपको राइन नदी बताई, और राइन नदी के बारे में जो भी विशेषताएं थी वो आपकी यहां पर लिखी हुई है, राइन नदी के बारे में, ये आपकी राइन नदी का डायग्राम है। ठीक ना, आज हम ये रख लेते हैं, अगले पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करा पाएंगे क्योंकि पूरा नहीं हुआ, तो अगले पार्ट में जो बची हुई नदियां और बची हुई पर्वतीय क्षेत्र है उनको पूरा करने के बाद हम आपको यूरोप महाद्वीप से संबंधित प्रश्न कराएंगे, और वीडियो आपको डेली मिलेंगे। आरओ की परीक्षा में जुड़ जाइएगा, और हमारा नंबर है जो नीचे स्क्रॉलिंग में चल रहा है उस नंबर पर आप मैसेज करके आप पता कर सकते हैं कि फीस क्या है, टाइमिंग क्या रहेगी, सारी चीजें। और एक बार मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, इस नंबर पर आपको छोटा सा काम करना है, एंट्री आरओ लिखकर, ई एन टी आर बाई एंट्री आरओ लिखकर, नंबर जो हमारा है, नंबर है 8736093039317। ठीक ना, तो 8736093317, 8736093317, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, याद रखिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, बी सॉरी
व्हाट्सएप के माध्यम से एंट्री आरओ लिखकर सेंड कर देना है, एडमिशन की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, जय हिंद।